आ गई फाइनली, ये देखो ये हैरी पॉटर वाली ट्रेन है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी गाइस फिलहाल मैं उठ गया हूँ और आज हम जाने वाले हैं हैरी पॉटर की ट्रेन देखने के लिए। जो रियल वाली ट्रेन ना वो यहीं पे है, हॉगवर्ड एक्सप्रेस, वो चलती है, अभी भी चलती है। और जो हैरी पॉटर की मूवी भी है ना वो ऑलमोस्ट यहीं पर शूट हुई है, स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स में, मतलब यहाँ के पहाड़ों को हाईलैंड्स बोलते हैं ना। वो जो पुल वाला एरिया ना, पुल के ऊपर ट्रेन चलती है, वो एक्चुअल में यहाँ पे है। बोविया बना रहे हैं ओट्स, बोविया मस्त हैं, सुबह सुबह उठ के मस्त ब्रेकफास्ट बना देते हैं देखो। और रोज अलग अलग आते हैं, कभी ओट्स, कभी मैगी, कभी क्या, कभी क्या, डेली डिफरेंट चीजें खाने को मिलती है। मस्त सुबह सुबह का व्यू देखो, बीच का कितना मस्त लग रहा है। चलो भाई ब्रेकफास्ट रेडी है, मस्त अपने ओट्स खाते हैं और फिर निकलते हैं नहा धोके। ब्रेकफास्ट हो चुका है, अब फिलहाल मैं नहाने जाता हूँ। ये चीज सही है कि यहाँ पे गर्म पानी है, गीजर लगा हुआ है, तो ये मस्त नहा धोके रेडी हो गए और धूप भी आ गई, तो धूप सेकने आ गए बाहर मस्त। और ये देखो पानी का कलर एकदम ब्लू हो गया स्काई की वजह से, स्काई भी ब्लू है ना, ये ब्लू है, कितना सुंदर लग रहा है। चलो भाई टाइम आ चुका है निकलने का, इस व्यू को बाय बाय बोलने का और नेक्स्ट व्यू की तरफ चलने का। चले फिर। यस, ये रिमोट है, इसमें दबाऊंगा तो मैं गेट खुल जाएगा। देख, ओहो खुल गया। तो हमको ये चाबी मिली थी खोलने के लिए, चाबी रख के आते हैं, चाबी डालते हैं यहाँ पे। चलो मेरी लाइफ की अब तक की सबसे बेस्ट ट्रिप है, सबसे सुंदर ट्रिप है। मतलब जितनी आगे जा रहे हैं उतने सुंदर रास्ते मिल रहे हैं, उतने सुंदर पहाड़ मिल रहे हैं। गाइस ये घर देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, मेरे फेवरेट घर हैं। गाइस देखो बिल्कुल प्रॉपर तरह से बना हुआ सब कुछ, मतलब एकदम सब कुछ सुंदर है। रोड भी सुंदर, ये देखो फुटपाथ भी सुंदर, घर भी सुंदर, रेड लाइट भी सुंदर, लोग भी सुंदर, बस भी सुंदर, दुकानें भी सुंदर, फूल भी सुंदर, बच्चे भी सुंदर, ट्रक भी सुंदर। तो भी गाइस हम पहुंच गए हैरी पॉटर की ट्रेन वाली जगह पे। पार्किंग मिल तो गई लेकिन 650 रुपए की पार्किंग मिली है, और पेमेंट भी यहाँ करनी है 650 रुपए, यहाँ पेमेंट करनी है। लो भाई स्लिप भी मिल गई है। गाइस गैस करो कितनी कॉफी होगी, 300 का, 300 रुपए की कॉफी दिखाना, बहुत छोटा ग्लास है भाई ये, 300 रुपए की कॉफी, 300 रुपए की। तो हमको यहाँ से जाना है व्यू पॉइंट पे, चलो चलते हैं ऊपर। अरे लिखा हुआ है नो ड्रोन फ्लाइंग। गाइस रास्ता देखो कितना प्यारा है, ऊपर जंगल में जा रहे हैं। ये देखो कितने सारे लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे ट्रेन का, और हमारे सामने है ब्रिज हैरी पॉटर वाला, सभी वेट कर रहे हैं। देखो कितने सारे लोग वेट कर रहे हैं। आ गई फाइनली, ये देखो ये हैरी पॉटर वाली ट्रेन है। ये देखो धुआं भी निकल रहा है ना इसमें से। ये बहुत फेमस स्पॉट है, बहुत फेमस। फाइनली ट्रेन तो देख लिया, सही टाइम से पहुंच गए भाई, अगर हम 10 मिनट भी लेट हो जाते ना ट्रेन निकल जाती भाई। हैरी पॉटर की पूरी मूवी यहीं पे पहाड़ों में शूट हुई गई सबसे ज़्यादा, जिन्होंने मूवी देखी उनको पता होगा। तो चलो फिलहाल अब निकलते हैं, तो चलो अब चलते हैं यहाँ से आगे। गई इस ट्रेन में ना बैठ भी सकते हो, लेकिन 3 महीने पहले से बुकिंग करानी पड़ती है भाई, 3 महीने पहले बुक रहती है ट्रेन। वो भी मैंने ट्राई तो बहुत किया इस ट्रेन में बैठने के लिए, बट हो ही नहीं पाया गई क्योंकि बुकिंग सारी फुल थी हमारी बुकिंग। गई ये देखो क्यूटेस्ट, क्यूटेस्ट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, जो बूढ़े लोग हैं ना वो ज़्यादा घूमते हैं, मतलब आप देख रहे हो बच्चे या फिर जो ज़्यादा यंग लोग हैं ना वो कम घूम रहे हैं, लेकिन बूढ़े लोग ज़्यादा घूम रहे हैं। मेरे पीछे देख लो, मतलब सारे शौकीन हैं भाई। लेकिन 600 रुपये पार्किंग वर्थ था भाई, जो हमने देखा ना हैरी पॉटर वाली ट्रेन। लेकिन गाइस यहाँ पे ना किसी ने चेक नहीं करा हमने पार्किंग पे करी है नहीं करी, हमने 600 रुपये दिए हैं नहीं दिए, क्योंकि ऑनलाइन था, हमने पे तो कर दी लेकिन किसी ने चेक नहीं किया कि तुमने पर्ची ली है नहीं ली है। तो अगर हम नहीं लेते ना तो भी चल जाता, बट यहाँ पे ना सब ईमानदार होते हैं, सब ईमानदार होते हैं यहाँ पे सब। गाइस ये देखो घास काट रही है मशीन, यहाँ पे इस तरह से घास काटती है। अरे आगे ट्रेन आ गई, अरे वही ट्रेन आ गई, वही ट्रेन आ गई। गाइस अभी रास्ते में हमको वही हैरी पॉटर वाली ट्रेन मिली, क्या टाइमिंग रही हमारी भाई। मैंने बोला था हम पकड़ेंगे से आगे। हाँ अगर हम 10 सेकंड भी लेट होते ना भाई ट्रेन निकल जाती, वहाँ भी ऐसे हुआ यहाँ भी ऐसे हुआ भाई। ये रही ऊपर ट्रेन, ये रही ट्रेन, ये रही ट्रेन, हम ट्रेन के साथ में रेस कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कुछ तो है यहाँ पे, ये देखो ये वेल है, वेल है, वेल है, वेल है। हाँ 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 वो देखो बोरी, वो बोरी 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 बोरी, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। यार कहीं रोकने का है क्या? है रोकने का, रोकने का, साइड साइड में लगाओ, साइड में लगाओ।
तो गाइस फिलहाल अभी यहाँ पे रुकते हैं। यहाँ पे देखो भाई कितना मस्त समंदर लग रहा है और यहाँ वेल भी दिख रही है, बड़ी 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 मछलियाँ दिख रही है यहाँ पे। गाइज अभी जो हमारे साथ में हुआ ना, आपने देखा होगा ड्रोन शॉट में, हमको फिर से ट्रेन दिख गई, वो भी बिल्कुल पास में। हम गए थे सिर्फ एक बार देखने के लिए, तीन चार बार दिख गई भाई। बहुत प्यारा व्यू यहाँ का समंदर का, पूरा नीला समंदर दिख रहा है जो कि आपने देख लिया होगा। क्या दोबारा दिख गया, क्या दोबारा दिख गया ट्रेन? हाँ दोबारा मिलेगी, पक्का मिलेगी 100%। गाइज वैसे प्लान था वहाँ जाने का, बट वहाँ जाना अलाउड नहीं है, वहाँ पे ना बड़ी बड़ी मछलियाँ दिख रही है तो वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अरे ये नहीं ट्रेन, ट्रेन रुक गई, अरे फिर से मिल गई ट्रेन। यहाँ से आगे रास्ता बंद है गाइज, आगे ना पूरा समंदर है, तो शिप में जाती है गाड़ी, तो उसके लिए बुकिंग करनी पड़ती है कि तुमको शिप की बुकिंग करनी पड़ती है, तो हमारी बुकिंग है नहीं। अगर हमको पता होता ना, हम इस गाड़ी को शिप में लेके जाते, मतलब हमारी कैरावैन शिप में जाती है लिटरली, बट हमको पता नहीं था, तो उसकी बुकिंग करानी पड़ती है यार, अब वापस जाना पड़ेगा। बट गलत खड़ी है हमारी गाड़ी, गलत बड़ी गाड़ी की यही दिक्कत है यार, पार्किंग नहीं मिल रही हमको। लग जाएगी, लगेगी 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 लगेगी, नहीं नहीं नहीं, घुमाओ घुमाओ घुमाओ, ले 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 लो, करो 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 करो, सही है सही है सही है, चलो बेस्ट बेस्ट, बस बस बस। सबसे खास बात इस ट्रेन की है कि ये स्टीम इंजन है इसमें, स्टीम इंजन, ये देखो ये है मेन इंजन। गाइस ये लास्ट स्टेशन है ना, तो इंजन वहां जाएगा। ये देखो पटरी चेंज कर ली, स्टार्टिंग में हमको डर लग रहा था कि ट्रेन हमको दिखेगी भी नहीं दिखेगी, ट्रेन दिखी उसके बाद तीन चार बार और दिखी, और अब देखो सब कुछ दिख रहा है। यहाँ से आगे जाने के लिए ना, वो जो शिप दिख रहा है ना आपको, तो वो बुक करना पड़ता है। गाइज हमारा ना थोड़ा ज्यादा बड़ा वाला पॉपअप हो गया, बिकॉज हम काफी दूर आ गए हैं, और हमारी जो पार्किंग लोकेशन है, कैंपिंग लोकेशन है, वो काफी दूर है, तो हमको जल्दी जाना पड़ेगा वहाँ पे, बिकॉज 8 बजे से पहले पहुँचना है, अगर हम 8 बजे से लेट हो गए ना, हमको वो पार्किंग ही नहीं देंगे भाई। चलो अब अंगूर खाते हैं और निकलते हैं सीधा अपनी कैंपिंग साइट पे। गाइज मैप ने पहली बार हमको समंदर का रास्ता दिखाया, वो भी कि भाई शिप से जाओ अपनी गाड़ी लेके, तो ये दिक्कत हो गई, हम गूगल मैप देख के चल रहे थे ना, मतलब यहाँ से 3 घंटे ज्यादा लग गए हमको, अभी तक पहुंच जाते भाई हम। चलो कोई बात नहीं, विदेश है, नया शहर, हमको पता नहीं, हम ड्राइव कर रहे हैं। अब मुझे लग रहा है हम आइल्स ऑफ स्काई में घूम नहीं पाएंगे, हम रात तक पहुंचेंगे, तो कल घूमेंगे अब वहाँ पे हम, तो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे आपको। गाइज आप लोग सोच रहे हो कि ये लंदन आके भी पहाड़ों में ही घूम रहे हैं, तो पहाड़ी पसंद है हमको, तो पहाड़ों में ही घूमेंगे ना, हम नेचर लवर हैं। गाइज ये देखो पहाड़ों में भी रेड लाइट होती है, यहाँ पे पहाड़ में हम रुके हुए रेड लाइट पे, देखो हो गई ग्रीन, चलो अब चलेंगे। देखो अब तो मेरा मन कर रहा है विंटर में भी आने का, विंटर में पूरी बर्फ होती है पूरी की पूरी, रोड इतनी अच्छी है, विंटर में भी चला सकते हैं यहाँ पे तो गाड़ी। मेरे पास वीजा तो है ही अब लंदन का, मैं आ सकता हूँ, देखते विंटर में भी आएंगे। क्या करना है अब, इसका करना क्या है ये तो बताओ। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं है, इसको कैसे रखूं अंदर ये समझ नहीं आ रहा। ये तो लटक गया, ये तो तार तोड़ दो इसकी, साफ करना पड़ेगा ना वहाँ पे यार। गाइस पूरा मिरर टूट गया है तो।